नमस्कार दोस्तों, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर को अगर हम लोग अंडर वोल्टेज में चलाते हैं, मींस उस मोटर का जितना रेटेड वोल्टेज है, उस रेटेड वोल्टेज से अगर हम लोग अंडर वोल्टेज मतलब कम वोल्टेज में चलाते हैं, तो फिर वो मोटर क्या होगा? मोटर क्या जल जाएगा? जैसे कि आप सबको पता है, हर कोई बोलता है कि इलेक्ट्रिक मोटर को अंडर वोल्टेज में नहीं चलाना चाहिए। अगर अंडर वोल्टेज हम लोग चलाते हैं तो फिर क्या होगा? तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं, एक्चुअली में अगर हम लोग एक मोटर को अंडर वोल्टेज में चलाते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशंस किया हूँ और एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ किया हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्टार्टर है और ये हम लोग का मोटर है और सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ओके, और इस मोटर का डेटा कुछ यहाँ पे है। जैसे कि मोटर का जो किलोवाट है 2.2 किलोवाट का है, वोल्टेज जो है 415 वोल्टेज का है, वोल्टेज है, और पावर फैक्टर जो है 0.83 पावर फैक्टर है, और हम लोग का जो इफिशियंसी है 84.3 इफिशियंसी है। मोटर का जो फुल लोड एम्स है 4.4, और रूट थ्री के वैल्यू आप लोग को पता होगा 1.732। ओके, तो ये रहा इस मोटर का कुछ डेटा, गिवेन डेटा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि एक मोटर का फुल लोड करंट कैसे निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर वन फॉर्मूला, पावर डिवाइडेड बाय √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर इंटू इफिशियंसी। ओके, ये सिंपल फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग का ओम्स अंकल का फॉर्मूला है। ओके, हम लोग का किलोवाट कितना है, मैं पहले यहाँ पे एम्पियर निकाल लेता हूँ। हम लोग का किलोवाट कितना है, 2.2 किलोवाट। तो इसको हम लोग पहले क्या करना है, वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटू 1000 करने से वाट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, 2.2 मैं यहाँ पे वाट में कन्वर्ट कर लिया हूँ। 2200 यहाँ पे आ रहा है, मतलब 2200 वाट। डिवाइडेड बाय, जब हम लोग ये नीचे वाला जब सॉल्व करेंगे, 1.732 इंटू 415 वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज क्या है 415 वोल्टेज, इंटू 0.83 पावर फैक्टर ये, और इंटू 0.84 ये जो हम लोग का इफिशियंसी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते थे इफिशियंसी 84.3, तो यहाँ पे मैं 84 ले लिया हूँ। ठीक है, तो इसको 0.84 जीरो पॉइंट में ऐसे लेते हैं, करेक्ट। तो नीचे वाला जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हम लोग के पास निकल के आ रहा है 501। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में सिंपली क्या करना है, यहाँ पावर को सिंपली यहाँ पे ऊपर में पुट करना है, सिंपली डिवाइड करना है और नीचे वैल्यू पुट कर देना है 501। ये दोनों जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए निकल के आ गया एम्पियर 4.39, 4.39 एम्पियर। मीन्स ये जो है हम लोग का एम्पियर कितना था, 4.4, तो यहाँ पर 4.39 आ रहा है। मतलब ये राउंड फिगर 4.4 मान सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने पे टाइम पे थोड़ा बहुत इधर उधर पॉइंट होता है ऐसा। ठीक है, और इसका नेम प्लेट भी देख सकते हैं मोटर का, कुछ इस टाइप का है। अभी दोस्तों मेन टॉपिक ये है, अगर इस मोटर को, जैसे कि इस मोटर का जो रेटेड वोल्टेज कितना है हम लोगों का, 415 वोल्टेज है, करेक्ट। तो इस मोटर को अगर हम लोग 300 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा, मतलब इसका अंडर वोल्टेज में इसको मोटर को हम लोग चलाएंगे। अभी देखते हैं कैलकुलेशन करके कि क्या होता है। ठीक है, अभी देख सकते हैं फॉर्मूला नंबर टू, सेम फॉर्मूला ही है, खाली यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि हमें देख सकते हैं 2200 पावर वही रहेगा हम लोगों का जो 2.2 किलोवाट का, 2200 वाट डिवाइडेड बाय √3 1.732 इंटू 300। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि जो वोल्टेज यहाँ पे ले रहे थे ना 415 वोल्टेज, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि 300 वोल्टेज ले लिए इंटू 0.83, ये पावर फैक्टर हो गया 0.83, देन इफिशियंसी भी सेम ही ले लेंगे 0.84 जो कि यहाँ पे लिए थे। सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला वही रहेगा तो नीचे वाला जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आएगा, 362 निकल के आ रहा है। तो ऊपर में हम लोग पावर रख देंगे, डिवाइड लगा देंगे तो नीचे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये दो वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब देखिए एम्पियर कितना आ रहा है, 6.07, 6.07 एम्पियर आ रहा है यहाँ पे, करेक्ट। इस मोटर का फुल लोड एम्पियर कितना था, ये फुल लोड एम्पियर है 4.4। अभी देखिए हम लोग जब हम लोग वोल्टेज को यहाँ पे कम कर दिए थे, 415 के जगह पे 300 वोल्टेज दे दिए थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, एम्पियर बढ़ गया है। मतलब इसका जो फुल लोड एम्पियर है, फुल लोड जो है इसका ऊपर एम्पियर यहाँ पे चला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जब कैलकुलेशंस किया था कितना कितना निकला था, 4.39, तो यहाँ पे निकल के भी आ रहा है 6 एम्पियर। तो अगर ये मोटर हम लोग अंडर वोल्टेज में जब चलाते हैं, मान लीजिए हम लोग का सिस्टम का जो वोल्टेज है पीसीसी पैनल या एमसीसी पैनल का 300 वोल्टेज आ गया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, एम्पियर बढ़ जाएगा ये मोटर का। अगर ये मोटर ऐसे ओवर लोड में अगर चलता रहेगा, ओवर करंट लेता रहेगा, तो ये हम लोग का जो मोटर है ये जल जाएगा, क्योंकि ये ओवर करंट हो रहा है। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता होगा कि एक मोटर जो उसका फुल लोड एम्पियर होता है, फुल लोड एम्पियर में हम लोग उसको कभी नहीं चलाते हैं। कितने एम्पियर में चलाते हैं,
80 to 90%, मीन्स ये जो फुल लोड एम्पियर है 4.4, इसका 80 to 90% लोड में हम लोग इसको चलाते हैं और रिले का भी सीटिंग इतना में करते हैं। ओके, अगर ये मोटर इतने एम्पियर में अगर कंटिन्यू चलता रहेगा 6.07 एम्पियर में, तो ये मोटर क्या होगा, मोटर जल जाएगा ना। तो इसलिए दोस्तों कि अंडर वोल्टेज में मोटर को नहीं चलाना चाहिए। अगर अंडर वोल्टेज होता है सिस्टम का, तो पहले उसको रेक्टिफाई करना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। हम लोग का जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर जो टैप चेंजर है, वो मतलब मैनुअली चेंज करके हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज स्टेबल करेंगे जो कि 415 वोल्टेज, उसके बाद हम लोग इसको चलाएंगे। तो इसलिए हमेशा किसी भी इक्विपमेंट का, इलेक्ट्रिकल का, उसका जो रेटेड वोल्टेज जितना होता है उतना में चलाना चाहिए। आई होप दोस्तों ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अंडर वोल्टेज में चलाने से क्या होता है। आप लोग खुद कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ओके, अभी 3 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं पावर रख लिया हूँ 2200 डिवाइडेड बाय 1.732 इंटू 374 वोल्टेज हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं। ये क्यों लिए हैं हम लोग आगे देखेंगे। इंटू पावर फैक्टर वही रहेगा, इफिशियंसी वही रहेगा 0.84। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे ऊपर वाला ये आ गया, पावर रख दिए हैं, डिवाइड लगा दिए हैं, 451 आ गया। नीचे वाला जब सॉल्व किए थे 451 आ गया। ये दोनों सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए निकल के आ रहा है 4.87 एम्पियर। करेक्ट, हम लोग का फुल एम्पियर कितना था 4.4, तो यहाँ पे देखिए 4.87, मतलब ये 4 और 4 एम्पियर थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। ये कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का रेटेड वोल्टेज कितना था 415, ठीक है। और दोस्तों ये जो मोटर है, मोटर का नेम प्लेट में यहाँ पे देख सकते हैं, वोल्टेज का नीचे यहाँ पे कुछ दिया गया है प्लस माइनस 10%। इसका मीन्स होता है ये जो 415 जो वोल्टेज है, इसका अगर प्लस माइनस 10% मीन्स ये 415 वोल्टेज है, अगर इसका 10% वोल्टेज बढ़ जाता है, अभी 415 है, 415 से कुछ वोल्टेज अगर बढ़ जाएगा तो ये मोटर कुछ नहीं होगा, नॉर्मली चलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 10% दिया है। किस में दिया है, ये मोटर का नेम प्लेट में कंपनी वालों ने, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 10%, मतलब ये प्लस में भी जा सकता है 10% और माइनस में भी जा सकता है 10%। अभी हम लोग माइनस में अगर 10% वोल्टेज अगर मतलब डाउन होता है 415 से, माइनस अगर 10% डाउन होता है, तो भी ये अंडर वोल्टेज में चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो ये प्लस माइनस 10% यही वोल्टेज में यहाँ पे लिया हूँ 374। अभी प्लस माइनस 10% ये हम लोग वोल्टेज थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 415 वोल्टेज इंटू परसेंटेज का निकलने का फॉर्मूला ये है, इंटू ये हम लोग 10% ले लिए, ये वाला 10% डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100 कर दिए हैं। 100 करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों निकल के आ गया है 41.5 वोल्ट माइनस। हम लोग माइनस लेके चलते हैं अभी, ठीक है, प्लस माइनस में 10% बोला तो माइनस लेके हम लोग अभी चल रहे हैं। तो 41.5 वोल्ट निकल के आ रहा है 10%, मतलब ये 415 वोल्टेज का अगर हम लोग 10% निकलते हैं तो 41.5 वोल्ट निकल के आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 415 माइनस 41, हम लोग राउंड फिगर कर देते हैं, 5.5 को छोड़ देते हैं, राउंड फिगर कर लिए हैं 41 वोल्ट। इसको माइनस करने के बाद देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 374 वोल्ट, इतना निकल के यहाँ पे आ रहा है। तो यही 374 वोल्ट मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, जो कि 415 का जगह पे, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा था ना, जो नॉर्मल जो फॉर्मूला है 415 ले रहा था, तो इसके जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिया हूँ 374 वोल्ट। तो इतना वोल्टेज हम लोग जो लेते हैं, इतना अंडर वोल्टेज में जब चलेगा ये मोटर, तब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका नेम प्लेट में दिया हुआ है कि इस वोल्टेज जो इसका जो रेटेड वोल्टेज है, अगर 10% ऊपर जाएगा वोल्टेज, अगर माइनस 10% नीचे आएगा, तो फिर ये मोटर को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉर्मली चलता रहेगा। करेक्ट, तो दोस्तों ये जो नेम प्लेट होता है ना, हर मतलब कंपनी, जितना सारा भी मोटर मैन्युफैक्चरर कंपनी जो होता है, वो लोग यहाँ पे दे देता है, मतलब 10%, किसी किसी मोटर में 5% भी देता है, मैं 2% भी देखा हूँ, तो मतलब 10% के नीचे ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो आप एक राउंड फिगर ऐसे पकड़ सकते हैं कि एक मोटर में अगर 10% वोल्टेज अप डाउन होता है, अगर 10% वोल्टेज बढ़ जाता है, 10% वोल्टेज डाउन होता है, तो मतलब सेफ वोल्टेज है, उतना अंडर वोल्टेज में मोटर चल सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर उससे भी अगर 10% से बहुत ज़्यादा वोल्टेज कम हो जाता है, अगर 300 के वोल्टेज के आसपास वो आ जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते थे जब कैलकुलेशंस किए थे, एम्पियर कितना निकला था 6.07 एम्पियर। अगर इतना एम्पियर में चलेगा तो मोटर जल सकता है क्या, जल जाएगा, क्योंकि ये जो है इसको ओवरलोड में चल रहा है ना, 4.4 लोड है, उसको फुल लोड है, अगर फुल लोड के ऊपर चलेगा तो मोटर जल जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों जलता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो स्टेटर जो होता है, स्टेटर में हम लोग ओवरलोड रिले लगाते हैं, जब इतना हाई एम्पियर जाएगा
तब ये ट्रिप होता रहेगा। अगर हम लोग वो बार बार ट्रिप हो रहा है अंडर वोल्टेज में, अगर हम लोग फीडर का वोल्टेज नहीं चेक करेंगे, मोटर का मतलब वो स्टेटर का वोल्टेज नहीं चेक करेंगे, बार बार इसको ऑन ऑफ करते रहेंगे, तो अगर हम लोग ऐसे बार बार करते रहेंगे तो फिर मोटर जलने वाला है भाई, यही मोटर को कोई बचा नहीं सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर अंडर वोल्टेज सिस्टम होता है, पहले हम लोग वोल्टेज ठीक करेंगे, उसके बाद हम लोग मोटर को चालू करेंगे। आई होप दोस्तों आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एक मोटर को अंडर वोल्टेज में चलाने से क्या प्रॉब्लम होता है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।